बहुत दिनों से मेस का सड़ा खाना खा खा के परेशान हो गए थे हम, इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम मशरूम मसाला बनाने वाले हैं। ये देखिए सारा साजो सामान आ चुका है, अब बस सब हम काम करने पे लग जाएंगे और फटाफट बना करके तैयार कर देंगे मशरूम मसाला। तो आप वीडियो में बने रहे लास्ट तक देखने के लिए कि हम कैसे बना रहे हैं हॉस्टल में मशरूम मसाला। खाना बनने में अभी टाइम बाकी था तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा स्नैक्स हो जाए, तो मम्मी का बनाया हुआ नमकीन और भुजा खाने लगे। यह है अपना दीपू, पूरी श्रद्धा से प्याज काट रहा है, इसको यही काम मिला हुआ है प्याज काटने का, साथ साथ मूवी भी देख रहा है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं इसके। और मेरा काम था चावल बनाने का, जो मैंने बना दिया है, चावल तैयार है अपना, अब बनेगा हमारा मशरूम मसाला। हमारे शेफ हैं रजत शर्मा, आपके अदालत वाले नहीं, लखनऊ वाले, बनारस, अच्छा बनारस वाले, सॉरी माफ़ करेंगे। रजत जी एक बार जरा अपना चेहरा दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, ये तैयारी चल रही है हमारे मशरूम मसाले की, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं ये दोनों महाशय। हेलो, तो मशरूम कटिंग के बाद बेसिकली इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म करेंगे, क्योंकि मशरूम में अपनी एक स्मेल होती है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्दी के साथ गर्म करने के बाद ये स्मेल पूरी तरीके से चली जाएगी, फिर इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे। दोस्तों तो हम इसमें हल्दी डाल करके इसे थोड़ी देर गर्म कर रहे हैं ताकि इसका स्मेल चला जाए। देखिए ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे हम, आपको दिखाते रहेंगे कि हम कैसे बना रहे हैं मशरूम मसाला। कोई नहीं, आवाज कम कर देंगे। तो पैसे ले लियो यार, तो पैसे की धमकी किसको दे रहे रे? पैसे की धमकी तुझे, तुम लोग अत्याचार कर रहा है इसको, याद रखेंगे। आज लास्ट है, लास्ट बार पानी है भाई, कोई नहीं लाएंगे, 5 दिन से लगातार ला रहे हैं, ये बात होता है। अब ये गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल लेंगे ताकि इसको धुल के अच्छे से साफ किया जा सके, और उसके बाद बाकी आगे का प्रोसेस करेंगे। भाइयों ये मशरूम धुल चुकी है बॉयल होने के बाद, कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसे शायद रजत फ्राई करेगा, अभी आता है रजत तो उसे पूछते हैं अभी इसका आगे का प्रोसेस क्या है। वीडियो में बने रहे आगे देखने के लिए कि हम कैसे कैसे मशरूम मसाला बना रहे हैं आप लोगों के लिए। अब हम मशरूम को फ्राई कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह से फ्राई हो रहा है। वो साला बहुत टैलेंटेड आदमी है। ये वाला भेज लास है, तुमको क्या पता है। दोस्तों देखिए फ्राई हो चुका है अपना वेज लास, जल्दी ही नॉन वेज लास भी आएगा, लेकिन अभी सावन में वेज लास से काम चलाना पड़ रहा है। दोस्तों अब हम इसमें डाल रहे हैं बटर, इतना सारा बटर, आज पूरा का पूरा मशरूम बटर में बनेगा। इंस्टेंट डायबिटीज एंड हार्ट अटैक को फुल बुलावा, क्या बोलते हैं उसको, कम इन। आर यू कमिटेड, निमंत्रण भेज दिया है। ये देखिए भाई, मेरा तोन जल्दी बाहर निकालेगा। इसमें हम डाल रहे हैं प्याज, लगभग 250 ग्राम प्याज है ये, मतलब 500 ग्राम दिख रहा है, 1 किलो। भूंजा हुआ कलेजी के जैसा लग रहा है ये तो, बिल्कुल मेरे कलेजी का टुकड़ा काटिए। इसको काटने के लिए कह रहा है, वो क्या काटेगा जिसका कटा हुआ है, बहुत तेज हो। थोड़ा मिर्च डाल रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा टमाटर बहुत महंगा है, उसके बावजूद इतना, देख रहे हैं हमारी अमीरी है, किसी के पास इतना। और इसमें अब हम डाल रहे थोड़े हरे मटर, देख रहे हैं कैसे चमक रहे हैं मटर, 30 रुपये का एक पाव। तुम आलू खा रहे हो, तुम गरीब। हम लोग तो मशरूम खा रहे हैं, हम लोग तो अमीर आदमी है भाई, गजब बेइज्जती है। इसी में मटन बनेगा तब पता चलेगा।
मटन के दिन लोगों को पता चले कि हमारी अमीरी क्या है। पार्टी में कितना केजी पहले डिसाइड कर लो भाई। दोस्त तो कम नहीं, और इलो का दोस्त भी तो आ रहा है संडे को, मैं तो खाऊंगा। और ये थोड़ी सी हल्दी, इसका भी कट रहा है, एक दिन सबका कटेगा। इसमें अब थोड़ा पानी डाल दिया गया है। अरे मैं यहाँ दिल्ली वाला लोग सिखाया, हम तो हम बोलते ही थे, कभी कभी आ जाता है दिल्ली बना। दिल्ली वाला मुझे किसी ने टोका था, मैं बोला। अरे यार हम इसे अपनापन लगता है, मैं क्या है, मैं मतलब बकरी बोलता है, मैं तो बकरी बोलता है। थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर दिया है ताकि प्याज जल्दी से जल्दी गल सके। बड़ा है यार, इसमें कोई उम्र नहीं है, लगे लगे प्याज गलने वाला है भाई। मस्त धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, भाप। यार मन चुलबुला रहा है, यार चुलबुला रहा है, कब से साला कुछ अच्छा नहीं खाए हैं। जल्दी जल्दी बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ। ये तो मोदी प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली इनके कार्यकर्ताओं का पूरा वो है, मतलब बीजेपी पूरी ग्राउंड पे जो है वो सरल पे ही है। तो तुम काम क्या करते हो मतलब उसमें? बेसिकली हमें जैसे जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनको मैनेज वहाँ के सीसीएम्स करते हैं, जो कॉल सेंटर मैनेजर होते हैं, टीएल मैनेजर। तो फिर मेरे पास 7 स्टेट है, 8 स्टेट। प्याज लगभग गल गया है, अब हमने अपना मशरूम इसमें डाल दिया है। अब ये ऊपर से डाल रहे थोड़ा गर्म मसाला। दोस्तों हमारा मशरूम मसाला तैयार है, देखिए कैसा टेस्टी लग रहा है। हाय हाय,